जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम को पॉइंट टेबल में लगा तगड़ा झटका। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हारती है तो भारत वर्ल्ड कप से हो सकती है बाहर। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप बी का कल पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति पर अपने 7 विकेट गंवाकर 151 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 57 रनों की पारी खेली। वही पाकिस्तान की टीम की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट चटकाए। 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर से पहले ही इस मैच को 10 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम ने 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और उनके जोड़ीदार मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर आ गई है और भारतीय टीम को इस हार के बाद पॉइंट टेबल में तगड़ा झटका लगा है और भारतीय टीम पॉइंट टेबल में 6 नंबर पर पहुंच गई है और भारत की रन रेट -1 लगभग तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर भारत टीम 31 अक्टूबर को होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में हारती है तो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से बाहर भी होना पड़ सकता है। अगर भारतीय टीम अपने अगले 3 मैच लगातार जीतती है तो भी भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम इन छोटी टीमों के सामने हार नहीं मानने वाली। तो ऐसे में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ग्रुप बी में सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है। तो ऐसे में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में किसी भी हालत में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी भारतीय टीम की मुश्किलें थोड़ी कम होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।